अभी से वही बन के रेडी है फ्रेंड्स अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना देखने में डिलीशियस लग रहा है और जब इसका क्रीमी पार्ट देखेगा ना तो बिल्कुल हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इसे खाने से ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम बहुत ही ये डिलीशियस लगता है हेलो मैं हूं मैंता और आप सबका स्वागत है एम किचन लैब में जहां मैं बनाती डिशेस तो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है सीरीज की फर्स्ट रेसिपी मैंने लिया है लखनऊ से जो कि नवाबों का शहर है नवाबों के शहर से मैंने ली है नवाबी सेवई तो चलिए फ्रेंड्स देर ना करते हुए नवाबी सेवई हम लोग बनाना शुरू कर हैं वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब होते ही बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि रेसिपीज की सीरीज आप भी देख सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर अपने फीडबैक और कोई भी रेसिपी जो है उस स्टेट से रिलेटेड है जिस स्टेट से आप हैं तो प्लीज़ उसमें मेंशन कीजिए मैं उसे ज़रूर शेयर करूंगी तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं नवाबी सेवई बनाना वो तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम कढ़ाई को गर्म करेंगे कढ़ाई में डालेंगे तीन बड़े चम्मच देसी घी हम ऑयल नहीं यूज़ करेंगे नहीं तो उसे एक स्मेल आती है और ये है सेवैयाँ ये बारीक वाली सेवई है फ्रेंड्स और इसे तोड़ के हमें एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेना है तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमने इसे तोड़ लिया है छोटे टुकड़े रहते हैं तो इजी होता है इसको संभालना तो इस तरह से छोटे टुकड़े होने चाहिए इसके और घी भी गर्म हो चुका है अब इन सेवैयों को हम घी में डाल के मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे सुनहरा कलर होने तक जब तक इसका कलर सुनहरा ना हो जाए तब तक इसे हम भुनते रहेंगे क्योंकि उस वे में ये पक भी जाएगा फ्लेम को हाई नहीं करेंगे नहीं तो ये जल जाएगा करेंगे तीन बड़े चम्मच शक्कर जो कि पिसे हुए शक्कर है फ्रेंड्स ये आसानी से इसमें मेल्ट हो जाएंगे घुल जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स अब सेवैयों में हम मिक्स करेंगे तीन बड़े चम्मच पाउडर मिल्क और इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे देखिए इसमें एक छोटा छोटा क्रम्बल बन रहा है वो काफ़ी अच्छा ही टेस्ट देता है उसमें और यदि आपका ना बने तो कोई बात नहीं है आप देखिए फ्रेंड्स ये इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इवेंटली कलर चेंज हो चुका है और हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका तीन हिस्सा एक प्लेट में निकाल लेंगे और एक हिस्से को जो है फ्रेंड्स कढ़ाई में ही रहने देंगे ये जो तीन हिस्सा है ये नीचे की लेरिंग जाएगी और लेयरिंग हम सेवैयों के क्वांटिटी के अनुसार लगाएंगे हमारा क्वांटिटी जितना होगा कि जब हम लेयरिंग दें तो आधा इंच या एक इंच जो है लेयर ऊंचा होना चाहिए ये आप ध्यान दीजिएगा तो आधा इंच भी होगा तो चलेगा उसी अनुसार आप बर्तन लीजिएगा केक टिन ले सकते हैं लेकिन फ्लैट होना चाहिए वो नीचे से और इस तरह से इसे हम प्रेस करते हुए अच्छे से इसका एक लेयर रेडी कर लेंगे और इसको अभी प्रेस करेंगे हम तो हम ग्लास का नीचे का पार्ट लेंगे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से और इसे दबा दबा के हम प्रेस कर लेंगे तो आप देखेंगे मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगी आ, कि आपको वो हाफ इंच का जो है लेयर रेडी हुआ है तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ये हाफ इंच का लेयर रेडी हुआ है और आप इसी अनुसार छोटा बर्तन या बड़ा बर्तन लीजिएगा जितना आपका सेवई हो उस अनुसार ही ये ट्रिकी पार्ट है इस रेसिपी की और अब इसे हम साइड में रख देंगे या फ्रिज में रख देंगे हम लेंगे एक लीटर फुल फैट मिल्क और उसे बॉयल होने देंगे इसमें मिक्स करेंगे तीन बड़े चम्मच पाउडर मिल्क जिससे इसमें एक रिचरेश आएगा और जैसे ही ये बॉयल होगा फ्रेंड्स तो बॉयल होने देंगे और तीन बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर को हम गुनगुने दूध में एक स्लरी रेडी करेंगे लम्स फ्री रहना चाहिए स्लरी इस लड़ी को थोड़ा थोड़ा करके हम इस दूध में मिक्स करेंगे जो कि पहले से बॉयल हो चुका है और थोड़ा थोड़ा करके तब तक हमें इसे मिक्स करना है पूरी लड़ी को मिक्स कर देना है ताकि पोरिंग कंसिस्टेंसी बन जाए पोरिंग कंसिस्टेंसी मीन्स कि जैसे हम केक का बैटर रेडी करते हैं जिस तरह से वो गाढ़ा होता है और जब हम इसे सेवैयों के ऊपर पोर करें तो वो एक लेयर आसानी से बन जाए उसके ऊपर ना कि वो आउटसाइड होने लगे तो इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए ये भी एक ट्रिकी पार्ट है इस रेसिपी की तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स जो दूध है वो गाढ़ा हो चुका है और अब इसमें हम तीन बड़े चम्मच शक्कर मिक्स कर देंगे क्योंकि हमें शक्कर का बैलेंस बनाना है पाउडर मिल्क भी है शक्कर हमने ऑलरेडी सेवई में डाल रखी है तो ये सब बैलेंस बनाते हुए डालना है आपको जितना टेस्ट पसंद हो उतना डाल सकते हैं और ये क्रश किए हुए इलायची हैं छोटी वाली इलायची है और इसे मिक्स करते हुए अब ये जो मिक्सचर है रेडी हो चुका है फ्लेम को ऑफ कर देंगे सेवैयों के ऊपर हम इसे पोर करेंगे गर्म रहेगा तभी ये जब गर्म रहेगा तो हम इसे सेवैयों पे धीरे धीरे पोर करना है हमें एक ही बार नहीं उसके ऊपर डाल देना है तो और जो बची हुई सेवैयाँ हैं तो हम पूरे कस्टर्ड मिल्क को हमने पोर कर दिया है उसके ऊपर और सेवैयाँ जो थोड़ी सी बची हुई हैं उसे हम एक लेयरिंग देंगे अब यहाँ पे है कि यदि ज़्यादा से वहियों को हम लेयर करते तो वो मिक्स हो जाते कस्टर्ड मिल्क में तो वो मज़ा नहीं आता तो इस तरह से रेडी हो चुका है फ्रेंड्स इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे कटे हुए आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो डाल सकते हैं मैंने पिस्ता और आलमंड लिया है और थोड़ी सी किशमिश मैंने डाली है इसके ऊपर तो इस तरह से ये जो नवाबी सिवाई है वो रेडी हो चुकी है बन के और इसे हम तीन से चार घंटे फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम इसे कट करेंगे तो उसके अंदर से एक क्रीमी पार्ट दिखेगा वो बहुत ही डिलीशियस लगता है ये रेसिपी जरूर आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा बन के रेडी हो चुका है नवाबी सेवई और देखिए फ्रेंड्स मैं कट कर रही हूँ आपको इसका क्रीमी पार्ट दिखा रही हूँ तो एक किस तरह से दिख रहा है और देखने के बाद तो बिल्कुल हम अपने आप को नहीं रोक पाएंगे इसे खाने से तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारी नवाबी सेवई जो है रेडी हो चुकी है बिल्कुल अलग तरीके से आप भी ज़रूरी से घर में बनाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा